इसमें दोस्तों देखो डिस्प्ले रिपेयर करेंगे, जिसमें ये लाइट आ रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम लोग इसको रिपेयर करेंगे आज, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमको देखना ये पड़ेगा कि इसमें दिक्कत है, इस कार्ड में दिक्कत है या फिर इस कार्ड में दिक्कत है। जब तक हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि भाई इस डिस्प्ले में दिक्कत है या फिर इसमें दिक्कत है, तब तक हमको क्लियर मालूम नहीं पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ है, है ना। इसको क्लियर करने के लिए पहले हम, मेरे पास एक दूसरा ऐसा कार्ड है जिसको मैं लगा के देखना चाहूँगा कि पहले इसमें दिक्कत है या फिर इसमें दिक्कत है। तो दोस्तों देखो, मैंने जैसा कि ये सर्किट लगा लिया है, ये पिन मैंने लगा दिया है, ये पिन भी लगा दिया है, फाइनली ये पिन लगाना रह गया है। इसको हम ये इस पिन को निकालेंगे। दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि मैं ये पहला अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो मोबाइल पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं अकेले ही हूँ। और इस वीडियो को ये क्लिप मैंने लगा दिया है, इसको फाइनली मैंने ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और अब पावर इसका ऑन करते हैं ना। ठीक है ना, ये पावर ऑन किया और अब देखते हैं क्या दिक्कत है। एक सेकेंड दोस्तों, दरअसल ये कार्ड में यहाँ पे डीटी नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ डीटी नहीं लगाया, जैसे कि ये डीटी है, तो ये डीटी पूरा क्या है, ट्यूबलाइट जलाने का काम करता है। डिस्प्ले के अंदर एक छोटा ट्यूबलाइट रहता है जो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इस कारण क्या है, इसमें लाइट नहीं जलेगी ना। इसके लिए क्या करेंगे कि अपने ये कार्ड नहीं लगाते हैं, अब मेरे पास दूसरा एक फाइनली कार्ड पड़ा हुआ है, ये सही, इसमें देखो ये डीटी भी लगा हुआ है, तो इसके लगाते हैं तभी वो दिखेगा। दोस्तों ये देखो, मैंने फाइनली दूसरा कार्ड लगाया, अब देखते हैं इसको, अब लगा दिया और मैंने अब इसको ऑन करता हूँ मैं, ये ऑन है, पहले से ऑलरेडी ऑन था। ये देखो डिस्प्ले आ गया इसमें, है ना, स्क्रीन क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये फाइनल डिसीजन आ गया है कि डिस्प्ले के अंदर फॉल्ट नहीं है, अपना फॉल्ट इस कार्ड में है। ठीक है ना, अपना फॉल्ट इस कार्ड में है और डिस्प्ले अपना ओके है। तो दोस्तों इस कार्ड को हम ओके करने रिपेयर करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसमें दो इशू हो सकती है, या तो अपना ये सॉकेट भी हो सकता है, ये सॉकेट हो सकता है, इसमें कुछ लूज कंटेक्ट हो इसलिए पकड़ नहीं रहा हो, तो कुछ पिक्चर नहीं आएगी, या आपने ये आईसीआर, दो आईसीओ में से कोई एक आईसी हो सकती है जो मिस अंडरस्टैंडिंग होगी या मतलब कुछ दिक्कत हो गया होगा, जिस कारण से ये डिस्प्ले को रीओपन नहीं कर रहा है। एक रीज़न और हो सकता है दोस्तों, जिसमें ये आईसी एक रेगुलेटर आईसी है जो 3.3 के लिए काम करती है, 5 वोल्ट यहाँ से इसको मिलता है, फिर बाद में ये 3.3 कन्वर्ट करके इन सबको देता है, तो ये पिक्चर को ऑन करते हैं, हो सकता है कि इसमें भी दिक्कत हो। फाइनली मैं चेक करके एक बार आपको बता रहा हूँ।